फ्रांस में स्टूडेंट्स को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए अमृतसर इंजीनियरिंग कॉलेज टेक्नोलॉजी की ओर से फ्रांस इंटरनेशनल ग्रेजुएट स्कूल के साथ गठबंधन किया ताकि शिक्षा के क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ावा मिल सके। वहीं डॉक्टर राजेश अरोड़ा, डॉक्टर वी के पोगा और फ्रांस स्कूल के हरप्रीत सिंह ने बताया कि भारत और फ्रांस के बीच आपसी रिश्ते बेहद अच्छे हैं। इसके तहत मंत्री पूर्ण और सहकार शैक्षिक आदान प्रदान तथा शैक्षिक सहयोग के लिए आधार कर विस्तार करना चाहते हैं। अपने समान हित को देखते हुए दोनों पक्षों ने इस समझौते के साथ सहयोग को औपचारिक रूप देने का निर्णय लिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अपनी क्रेडिट को अपने गृह स्थान में स्थानांतरित करना है। शेयर करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अमृतसर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी अमृतसर के बच्चों वास्ते आज जो असी फिक्स फ्रांस के नाल एग्रीमेंट किया है, फ्रांस इंटरनेशनल ग्रेजुएट स्कूल के नाल, उदे करके बच्चों की इंटरनेशनल एजुकेशन बहुत आसान हो गई है। बच्चे इत्थे अपनी पूरी पढ़ाई करन तो बाद फाइनल ईयर जिहड़ा है वो फ्रांस दे विच कर सकनगे। इस दा फायदा मैनेजमेंट बीटेक बीबीए बीकॉम होटल मैनेजमेंट दे सारे बच्चों हो सकेगा और उस दे नाल बच्चे ग्लोबल इकोनॉमी विच जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ने उसका फायदा उठा सकन। इतों की पढ़ के इतों की इंडिया तो अपना पार्ट पढ़ाई कंप्लीट करके उत्थे आते हैं, एक तो अपनी कॉस्ट बचाते हैं प्लस उत्थे दी तैयारी जो उन्होंने जो भी उन्होंने लिविंग हैगा उसके वास्ते उन्होंने पहले ही इतें ही तैयार किया जाएगा। उन्होंने लैंग्वेज उन्होंने उत्थे दी नॉलेज सब उत्थे मिलेगी इन्हों जाने तो पहले जिले उत्थे आएगा लो कॉस्ट से एक इंटरनेशनल लैवल की क्वालिफिकेशन उन्होंने उत्थे मिलेगी। असं रिकमेंड करते हैं आइल्स वास्ते, लेकिन जरूरी नहीं है आइल्स होए, आइल्स पीटी टोफिल कुछ भी सर्टिफिकेट अगर वो लिया सकते हैं दैट इज़ गुड। जिहड़े स्टूडेंट अमृतसर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के हैगे ने, क्योंकि असं साढ़े पहले ही टच च होंगे, सानू पता होएगा कि किदा की लैवल हैगा, तो उन्होंने यह चीज़ करन की जरूरत नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि वह करन है, बिना वो भी असं उन्होंने एक्सैप्ट कर सकते।